हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू रीसेट डिस्प्ले कलर ऑन आईफोन। ठीक है, ऑफ आईफोन या ऑन आईफोन दोनों एक ही बात है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ब्लैक एंड वाइट था, ग्रे टाइप का था। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन को ज़्यादा हाईलाइट रही और पिंक को ज़्यादा हाईलाइट रही दी जा रही है डिस्प्ले में। तो ऐसी सेटिंग जब एनेबल हो जाती है गलती से, ऐसे कुछ YouTube भी आपको पिंक कलर का दिखने लग जाता है, जितने भी रेड चीज़ें रहेंगी वो पिंक हो जाती हैं। तो ऐसे में डिस्प्ले को ठीक कैसे करें। एक और है, ये देख सकते हैं यहाँ पर टाइनी डिस्प्ले दिख रहा है, नॉर्मल नहीं है अभी ये। तो इन सब चीज़ों को अगर होते हैं आपके फ़ोन में तो कैसे ठीक करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा गाइस इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर चैनल पर ना हो तो लाइक कर देना, चैनल वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस करना क्या है, आपको चले जाना है सिंपली सेटिंग्स पे जाने के बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। वॉलपेपर पे क्लिक नहीं करना, बैक हो जाना है आपको, एक्सेसिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, आपने क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले टेक्स्ट एंड साइज का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आएंगे गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा कलर फिल्टर्स, तो ये एनेबल रहेगा, इसको ऑफ कर देना है, इसको टर्न ऑफ कर देना, क्योंकि इसके अनेबल होने की वजह से ही डिस्प्ले की ये हालत होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।